हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग टॉक्स में। अगर आप चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि आपको इसके अलावा और किन किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट रूल है इसका, ए की पावर यहाँ पर दी गई है एम, और ए की पावर मल्टीप्लाई है विद मल्टीप्लाई है ए की पावर एन के साथ। अब यहाँ पर बेस दोनों के सेम है लेकिन जो पावर्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो इसका क्या रूल बन जाएगा, बेस हम सेम ले लेंगे ए, और जो पावर्स हैं वो प्लस में आ जाएंगी, एम प्लस एन। आप किस तरह से इसको याद रखेंगे कि जहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन दिखाई देगा आपको और बेस सेम है, वहाँ पे पावर प्लस में चली जाएंगी। इसका एग्जांपल देखते हैं, 2 की पावर m मल्टीप्लाई विद 2 की पावर 4। अब यहाँ पे भी बेस सेम है तो ये जो पावर्स हैं ये क्या हो जाएंगी, ये प्लस हो जाएंगी, 5 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 9। सेकंड रूल देखिए, a की पावर m है यहाँ पे, डिवाइड हो गया। अब ये a की पावर n, बेस सेम है, साइन है डिवाइड का, जब डिवाइड का साइन होएगा तो आपका जो बेस है वो यहाँ पे आ जाएगा और जो पावर्स हैं वो माइनस में चले जाएंगी। डिवाइड से याद रखिएगा, डिवाइड से आ जाएगा माइनस में, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो पावर्स प्लस में चली जाएंगी। इस तरह से ये डिवाइड में आ रहा है, ए की पावर एम डिवाइड बाय ए की पावर एन, और यहाँ पे क्या रूल बन जाएगा, ए रेज टू पावर एम माइनस एन। इसका एग्जांपल देखते हैं, 5 की पावर 7 डिवाइड बाय 5 की पावर 3, तो ये क्या बन जाएगा, 5 की पावर 7 माइनस 3, 5 की पावर 4। इस तरह से ये आपका एग्जांपल है। थर्ड रूल है, a की पावर m और इन दोनों की पावर ब्रैकेट में चली गई और इन दोनों की पावर है बार में n, तो इस तरह से जब भी दिया होता है, लेकिन हमेशा आपको क्या माइंड में रखना है कि ये ब्रैकेट लगी होनी ज़रूरी है। अगर तो ये ब्रैकेट लगी है तो रूल ये बनेगा, a m मल्टीप्लाई बाई n, इस तरह से अगर ब्रैकेट लगी है तो m मल्टीप्लाई बाई n, और इसका रूल बन जाएगा a m n, यानी मल्टीप्लाई है, ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको इसी में दिया हो a m n, अब इसमें कोई ब्रैकेट नहीं दी गई आपको, तो इसका अलग रूल है। इसका रूल क्या बन जाएगा, m को हमने n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ, m को आपने n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं, पहले मान लीजिए इसका एग्जांपल है 2 की पावर 5, 2 इस तरह से है, तो इसको कैसे करेंगे, इसका मतलब है कि 2 और 5 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 5 इंटू 5 25, इस तरह से। और इसका एग्जांपल देखते हैं, सेम यही एग्जांपल लेके देखते हैं, 2 की पावर 5 और ब्रैकेट लगा के बाहर में है 2, तो इसका क्या बन जाएगा, 2 ये दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, 5 इंटू 2, तो इसका आ जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 2 10, 2 की पावर 10, और यहाँ पे 2 की पावर है 25। इन दोनों में ये डिफरेंस रहता है, तो ब्रैकेट आपको बिल्कुल याद रखना, अगर ब्रैकेट लगाए तो इसका रूल अलग बनेगा और ब्रैकेट नहीं है तो उसका रूल अलग बनेगा। फोर्थ रूल है, a डिवाइड बाय b की होल पावर m, तो इसका मतलब है a की पावर भी m है और b की पावर भी m है, तो यहाँ पे पावर सेम हो रही हैं, बिल्कुल दोनों की पावर सेम होगी, ए की पावर भी एम रहेगी और बी की भी एम रहेगी। इसके अलावा इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर आप इसको रिवर्स में लिखेंगे, बी को ऊपर ले जाएंगे और ए को नीचे ले आएंगे, तो इसकी पावर जो है वो माइनस में आ जाती है, इस तरह से बी अपॉन ए की पावर, दोनों की पावर माइनस में चले जाएगी। इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं आपका, 5 की पावर 6 की होल पावर 2, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे 5 की पावर भी 2 ही है और 6 की पावर भी 2 ही है, तो क्या बन जाएगा, 25/36, इस तरह से ये क्वेश्चन हो रहा है। और इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं, इसी को अगर हमने रिवर्स में लिखना हो तो 6/5 की पावर -2, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर अब इसका यूज़ कैसे हो सकता है, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है, इस तरह से दे रखा है, तो आप इसको
इसमें भी चेंज कर सकती हो, माइनस की पावर को पॉजिटिव में इस तरह से यहाँ पे चेंज कर सकते हो। आप रिवर्स कर दीजिए, ऊपर की डिजिट नीचे लिखिए और नीचे की डिजिट ऊपर लिख के इसको रिवर्स में पॉजिटिव में साइन इसको लेके आ सकते हो इस तरह से। नेक्स्ट रूल है ए की पावर माइनस एम। अब ये इसमें भी देखिए नेगेटिव में दी है पावर, तो इसको कैसे लेके जाएंगे, वन अपॉन ए की पावर एम इस तरह से। एग्जाम्पल देखिए, ये तो बहुत सिंपल सा है, नाइन की पावर मान लीजिए माइनस टू है, तो इसको आपको पॉजिटिव में कैसे लेके जाना है, वन अपॉन नाइन की पावर टू, सिंपल सा है। तो इसका क्या आ जाएगा, वन अपॉन 81 इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। सिक्स रूल है ए की पावर एक्स डिवाइड बाय बाय इज इक्वल टू, इसका क्या बन जाएगा, इसको हम एग्जांपल ले लेते हैं साथ साथ में। मान लीजिए ए है हमारे पास 49 और एक्स और वाई दी ये पावर, तो एक्स मान लीजिए 1/2। अगर इस तरह से आपका क्वेश्चन रहता है तो इस तरह से क्वेश्चन रहता है तो इसको कैसे करेंगे, जो आपका डिवाइड में वाई दे रखा है, वाई ये आपका आ जाएगा आगे, यानी 2 आगे आ गया और बाकी ये चला जाएगा स्क्वायर रूट में। स्क्वायर रूट यहाँ पे ए क्या है 49 और ये जो 1 है ये इसी के साथ आ जाएगा पावर में इस तरह से। इस तरह से इसको करेंगे और ये क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा 7 आंसर आ जाएगा इसका इस तरह से। तो आपको क्वेश्चन में अगर इस तरह से दे रखा हो तो आप इसको इस ऐसे सॉल्व करके इसको सिंप्लीफाई इस तरह से करेंगे। सेवन्थ रूल है ए वी की पावर एन, यानी ए की पावर भी एन है और बी की पावर भी एन है। ये तो सिंपल सा है, ए की पावर भी एन और बी की भी एन पावर रहेगी। इसको अभी एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। तो ए मान लीजिए 5 है, बी मान लीजिए 4 है, तो 5/4 इसकी पावर है 2, तो क्या आ जाएगा, 5 की पावर भी 2 है और इस तरह से पॉइंट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है और 4 की पावर भी 2 रहेगी इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। तो क्या आ जाएगा, 25/16 इस तरह से ये सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आएगा ऐसे। तो इंडेक्स रूल यही जो इम्पोर्टेंट है, यही इम्पोर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन में भी आपके काम आते हैं ये इंडेक्स रूल। और कई बार क्वेश्चंस में आपको सिंप्लीफिकेशन का छोटा सा पार्ट दे दिया जाता है तो उसको सॉल्व भी करने में आसानी रहती है। और इसके अलावा आपको कुछ और यहाँ पे एक दो पॉइंट देख लीजिए। अगर आपको ए की पावर दी है 1, तो इसका मतलब क्या है, ए ए की पावर 1 मतलब इसकी कुछ भी पावर नहीं है, वो सिंपल से वही आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 की पावर है 1, तो ये 2 ही रहेगा। और लेकिन ए की पावर हो 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। मान लीजिए 2 की पावर है 0, तो क्या आ जाएगा आंसर, 1 इस तरह से। ये दो भी इम्पॉर्टेंट है तो इसको भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।